नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम देख रहे हैं 10 अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलवा ईद नाशेर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आईफा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दो 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारत एशियाई महिला बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं उनकी पिक, आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपनहेगन डेनमार्क में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो कौन से स्थान पर भारत रहा है दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68। ठीक दोस्तों, ये 68वां स्थान पे भारत रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन रहा होगा दोस्तों? फर्स्ट स्थान में रहा है सिंगापुर, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सिंगापुर जो है तो फर्स्ट स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत को फ्रांस कौन सा पहला राफेल फाइटर जेट मिला है। तो फ्रांस से कौन सा फाइटर जेट मिला है दोस्तों राफेल, उसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा RB-001 इसका नाम है। ठीक है, इसका देखिए ये इमेज है दोस्तों, है ना, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा रिसीव किया गया था। ठीक है, और 36 राइफल्स का जो है तो उन्होंने डील की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री के लिए 2019 का नोबेल प्राइज किसका नाम चुना गया है। दोस्तों नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का भी मिल चुका है, फिजिक्स का भी मिल चुका है और चिकित्सा का भी मिल चुका है। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी कि जॉन वी गुड एफर्ट एनएफ को भी मिला है, स्टैनली ह्विटिंगम को भी मिला है, अकीरा योशिनो को भी मिला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? विश्व पर्यावास दिवस जो है तो कब मनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्योंकि ये नया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटोनियो कोस्टा। ठीक है दोस्तों, कोस्टा से याद रखिएगा, हाल ही में पुर्तगाल के जो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। ठीक है दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हाल ही में अभी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बहरीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो बहरीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों? बजरंग पुनिया ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, बजरंग पुनिया। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।